हेलो गाइस, देखिए आज मैं आलू परवल की सब्जी बनाने जा रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी आज मैं कि सब्जी में कितना मसाला पड़ता है और किस प्रकार से आपको बनानी है। ये देखिए 250 ग्राम जो है परवल है, ये देसी परवल है। इनको मैंने घिस के काट लिए हैं, अच्छे से पानी से धो लिए दो पानी से। और ये देखिए आलू है सर, इनको मैंने मीडियम साइज में काट लिया है। और इसके लिए आपको कितना मसाला चाहिए, 250 ग्राम परवल और 4 आलू के लिए, ये 5-6 लोगों की सब्जी इसमें आराम से बन जाएगी। रसेदार आप बनाएंगे उसके लिए एक बड़ा प्याज आप ले लीजिए, 7-8 लहसुन ले लीजिए, एक मिर्ची का पीस, आपकी तीखी मिर्ची ना हो ज़्यादा लाल वाली तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं इसमें। और ये टमाटर मैंने एक ले लिया बड़ा। और मसाले में आपको बताती हूँ, देखिए एक प्याज इसमें मिक्सी में डाल दीजिए, दो के मैंने काट लिया इसको, ये लहसुन मिर्च है इसको डाल देती हूँ, ये टमाटर है इसको भी मैं इसी में ऐड करती हूँ। और इसके लिए देखिए एक चम्मच आपको हल्दी डाल देनी है, इतनी हल्दी आपको डालनी है। एक चम्मच और ये 1.5 चम्मच, इतनी ही आपको धनिया डालनी है। ज़्यादा धनिया आप मत डालिए, नहीं सब्जी का स्वाद जो है बेकार हो जाता है, धनिया ही धनिया का स्वाद आता है। और एक चम्मच मिर्च डाल दिए, थोड़ी और डाल दूँगी क्योंकि ये कड़ू कम है। आपकी कड़ू हो तो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए, जैसा पसंद हो आपको। आधा चम्मच जीरा डालती हूँ, बाकी गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी, मैंने भून के रखा हुआ है ये, इसको मैं बाद में डालूँगी। और इतना आप नमक डाल दीजिए, आपका मसाला जो है आसानी से पिस जाएगा। ये देखिए मैंने मसाला रेडी कर लिया है और इस प्रकार आप पीस लीजिए, आप सब्जी रसेदार बहुत अच्छी बनती है। और देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मसाला सब पीस चुका है, कुकर चढ़ा दिया। देखिए मेरा कुकर गर्म हो रहा है, इसमें 1 चम्मच तेल डाल दूँगी मैं। तेल गर्म हो रहा है यानी मैं इन परवल को निकाल लीजिए पानी से, पानी में नहीं रखना आपको, निकाल के रखना है। इस प्रकार आपको सभी परवल को डाल देना है और आँच पे, और आपको धीरे धीरे फ्राई करने हैं सारे परवल को। और हमारे परवल सारे देखिए पड़ चुके हैं, अब मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। इस प्रकार देखिए सारे परवल भुंज रहे हैं, अच्छे से कलर चुके हैं और इनका रंग भी लाल होने लगा है। और इसी प्रकार से आपको भी परवल फ्राई करने हैं और इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। मैं निकाल रही हूँ देखिए परवल सारे, ये देखिए सारे परवल मैंने निकाल लिया, आप इसका कलर देख सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें तेल डालती हूँ, आपको उतना ही तेल डालना जितना आपका मसाला अच्छे से भुन सके, ज़्यादा तेल मत डालिए। और देखिए तेल देखिए अच्छे से गर्म हो रहा है, ये तेल आपको गर्म हो जाए फिर आप इसमें मसाला डालिए। तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। और आपको मसाला डालते हुए ढक्कन को ढक देना है जिससे आपके ऊपर छिट्टी ना पड़े, और फिर इसको चलाइए आप, फिर इसको चमचे से आप 2 मिनट बाद चलाइए। देखिए मैं चला रही हूँ मसाला, इस तरह से आप मसाला चलाते हुए, जिसमें मसाला नीचे न रख सकते। और ये मसाले को भून लेना है धीरे धीरे धीमी आंच में, गैस की लो आप धीमी रखिए। देखिए मसाला पक रहा है अच्छे से, इसको 3-4 मिनट पका लेना है आपको। जब मसाला लाल हो गया है अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। देखिए तेल छोड़ दिया मसाले ने, तभी आलू आपको डालना है।
सारे आलूओं को डाल के आपको इस प्रकार से सारे आलू डाल दिए हमने। और देखिए चला रही हूँ इसको, देखिए आप इसका कलर, आलू को धीमी आंच में इस प्रकार से 2 मिनट कलार लेने आलू को और चलाते रहिए जिसमें ये मसाला जलने ना पाए। अब इसी में आपको परवल भी डालने हैं। और देखिए मैं परवल डालने जा रही हूँ इसमें, परवल में भी तेल है। और ये देखिए मैंने परवल भी डाल दिए हैं, इनको भी 1-2 मिनट ऐसे आप चला लीजिए धीमी आंच पे। मसाला छोटा लीजिए जो आपके कुकर में लग गया है, इस प्रकार से आप चला लीजिए इसको, सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है इसमें। और इसमें आप ज़्यादा पानी मत डालिए, जितना आप अपनी ग्रेवी बनाना चाहती हैं आप उतना पानी ऐड कर सकती हैं। मैं तो 5-6 लोगों की सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं उस हिसाब से पानी डालूँगी। और गरम मसाला भी इसमें आप डालेंगी थोड़ा सा, मैं डालती हूँ, देखिए घर का पिसा गरम मसाला है ये। गरम मसाला आपको बाद में ही डालना है क्योंकि पका हुआ रहता है गरम मसाला, इसको ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए मसाले के साथ। और आप गरम मसाला डालते हो इस प्रकार से 1-2 मिनट चला के, बस आप अपने जितने आपको ग्रेवी बनानी है पानी उसी के अनुसार आप डाल दीजिए। मैं 5-6 लोगों की सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने इतना पानी डाल दिया इसमें, देखिए। और ज़्यादा पतली सब्ज़ी भी नहीं मुझे पसंद है, और सब्ज़ी ऐसी बननी चाहिए जो एक दोनों में मिक्स हो जाए आलू परवल। थोड़ा पानी कम लग रहा है, मैं और डालती हूँ इसमें। और हमको इसमें नमक भी डालना है, मैं खड़ा नमक डालती हूँ। नमक मैंने ले रही हूँ नमक डालना, आपको अगर पिसा नमक डालना है तो आप पिसा डाल दीजिए। और मैं सब्जी के अनुसार नमक डाल रही हूँ। और बस मैं आपको कुछ नहीं करना है, ढक्कन लगा देना है, आपको 1 से 2 सीटी ले लेनी है। 2 सीटी में आलू चपक जाएगी अच्छे से, और 2 सीटी लगने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी सब्जी। सीटी लग चुकी है हमारी सब्जी, मैं खोल रही हूँ, सीटी निकाल रही हूँ इसकी थोड़ी। सीटी हमारी निकल चुकी है, देखिए सब्जी खोल रही है अभी भी, सब्जी पक चुकी है। अब मैं आपको आलू निकाल के दिखाती हूँ, आलू पकी कि नहीं पकी है। आलू देखिए मैं तोड़ रही हूँ, देखिए आलू पक चुके हैं अच्छे से। बस मुझे ऐसा ही रसा चाहिए, ज़्यादा पतला रसा अच्छा भी नहीं लगता खाने में, सब्ज़ी का टेस्ट भी नहीं आता है। तो आप इस प्रकार से सब्ज़ी बनाइए, सब्ज़ी थोड़ा सा और पका लीजिए, थोड़ी गर्म हो जाएगी, फिर इसमें धनिया डाल दूँगी मैं। इस प्रकार से आप सब्ज़ी बनाएंगी ना तो आपको अच्छी लगेगी सब्ज़ी, थोड़ा रसा पक जाएगी सब्ज़ी। आप यकीन मानिए शाम तक भी रखी रहेगी तो ख़राब नहीं होगी। और ये सीटी लग जाने के बाद थोड़ा सा तो 1-2 मिनट आप पका लीजिए ज़रूर सब्ज़ी को, चाहे दाल हो कुछ भी हो आपको पका ले लीजिए ना, तो बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है उसमें। धनिया मैंने डाल दी, देखिए और 2 मिनट आपको इसे ढक देना है। और आपको परस के दिखा रही हूँ मैं, देखिए इसको आप चम्मच से ऐसे भी खा सकती हैं, आपका मन हो सब्जी चावल खाइए, पूड़ी से खाइए, देखिए रस आप
बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं है और कम भी नहीं है। रोज़ाना घर में इस तरह सब्ज़ी बनाइए। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कैसी लगी सब्ज़ी कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़।